हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश मशरूम और क्यूमिन सूप। अगर आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में सूप पियेंगे तो वहां के शेफ फ्रेश वेजिटेबल स्टॉक के साथ अपना सूप बनाते हैं। तो फ्रेश वेजिटेबल स्टॉक में चार सब्जियां जाती हैं जिसको मेरपोआ कहते हैं, अनियन, लीक्स, सेलरी और कैरेट्स। तो हम उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा देसी तरीके से आज अपना फ्रेश मशरूम का सूप बनाएंगे जीरे के साथ। इस सूप में हमने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं डाली है, बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स हैं जिससे हमारा सूप स्वादिष्ट और हेल्दी बनेगा। तो चलिए, देर किस बात की, आर यू रेडी, आइए शुरू करते हैं। तो मशरूम और जीरे का सूप बनाने के लिए हमने लिया है एक प्याज, एक छोटी गाजर, थोड़ा सा लहसुन और करीबन 250 ग्राम मशरूम्स। मशरूम्स को हमने खुले पानी में अच्छी तरह धो लिया है। इन 250 ग्राम मशरूम में से हम करीबन 5 मशरूम निकाल लेंगे साइड पे, उसको हम पतला स्लाइस करके बाद में गार्निश के लिए यूज करेंगे और बाकी मशरूम का हम सूप बनाएंगे। लहसुन को हमने पील करके थोड़ा सा क्रश कर लिया है और गाजर और प्याज को पील करके मोटा मोटा काट लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन में थोड़ा ऑलिव ऑयल करेंगे गरम। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे और जब क्रैकलिंग साउंड बंद हो जाए तो उसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को कलर नहीं देना है, करीबन 10-12 सेकंड तक उसको सौते करें थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे प्याज, कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याजों को भी बिल्कुल कलर नहीं देना है, करीबन 30-45 सेकंड तक उसको सौते करें कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाएं, थोड़े से पिंक हो जाएं। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई गाजर। इस सबको करीबन 1 मिनट तक हम सौते करेंगे। अब इसमें डाल देंगे मशरूम्स। मशरूम्स को भी थोड़ा सा ही सौते करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए बस उतना ही। अब इसमें डाल देंगे करीबन 700 ml पानी। गिव इट अ नाइस स्टर और इसको हाई आंच पे हम एक बॉयल दे देंगे। और जब बॉयल आ जाए तो आंच कर देंगे कम और करीबन 10-12 मिनट तक इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो पानी है उसमें अच्छे नेचुरल वेजिटेबल फ्लेवर्स आ जाएंगे, हमें वही चाहिए। ये देखिए, करीबन 10-12 मिनट हो गए हैं, हमारा पानी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, उसमें अच्छे फ्लेवर्स आ गए हैं। अब इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ धनिया। अब आंच कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि ये मिक्सी में डाल के ग्राइंड करने लायक हो जाए। तो आइए अब इसको हम प्यूरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने मिक्सी में डाल लिया है अपना सारा सूप पानी के साथ। पहले पल्स सेटिंग पे करेंगे और फिर इसको मिक्सी चला के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि वो अच्छी तरह प्यूरी हो जाए। आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो शेफ्स इसको छान लेते हैं, सीव कर लेते हैं छन्नी से। उससे क्या होता है कि एक बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर का सूप खाने को मिलता है, लेकिन हम वो स्टेप स्किप करेंगे। तो इस प्यूरी किए हुए सूप को हम दोबारा डालेंगे पैन के अंदर, गैस करेंगे शुरू और जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ सूप है वो निकालेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, ये देखिए चम्मच डाल के आप चेक कीजिए, थोड़ा सा सूप चम्मच पे लगना चाहिए और जब उसको आप गिराएं तो एक धार में वो सूप गिरना चाहिए। अगर वो एक धार में नहीं गिर रहा तो इसका मतलब आपका सूप काफ़ी गाढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें। और अगर वो चम्मच के साथ स्टिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब बहुत पतला है, तो उसको हम बॉयल करके थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम सीजन करेंगे, तो आप स्वाद अनुसार नमक डालिए और डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। गिव इट अ नाइस स्टर और एक जब बॉयल आ जाए तो इसमें डालेंगे छोटा चम्मच मक्खन का और एक बड़ा चम्मच क्रीम का, उसको अच्छी तरह से मिला लें। एक बॉयल देना है इसको और अब आंच कर देंगे बंद और इसको रखेंगे साइड पे। अब इसकी गार्निश तैयार करेंगे। इस सूप की गार्निश के लिए हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक छोटे पैन को गरम करके आधा चम्मच जीरे का डाला है, उसको ड्राई रोस्ट करना है। तो थोड़ा सा भून लें कि उसका कलर चेंज हो जाए, डार्क ब्राउन कलर आ जाए। इसको बंद करके रखेंगे साइड पे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डाल के, जो हमने 4-5 मशरूम साइड पे निकाले थे
उसको पतला पतला स्लाइस कर लिया है। अब उसको हम सौते करेंगे। तो पहले सिर्फ ऑयल में सौते कीजिए, थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन डालने से मशरूम क्रिस्पी हो जाएंगे और उसका कलर अच्छा नाइस गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसको करीबन 1-1.5 मिनट तक सौते कीजिए। ये लीजिए, हमारे मशरूम भी अच्छे क्रिस्प और ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें। जो हमारा भुना हुआ जीरा है उसको पीस के हम पाउडर बना लेंगे, जिसको हम गार्निश में यूज करेंगे। हमारी गार्निश भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आइए अपना गर्मा गर्म स्वादिष्ट फ्रेश फ्लेवर्स वाला मशरूम क्यूमिन का सूप सर्व करते हैं। इसको गार्निश करेंगे भुने हुए जीरे पाउडर के साथ, थोड़ा सा धनिया और कुछ बूंदे क्रीम की, और ऊपर से डालेंगे हमारे क्रिस्पी सौतेड मशरूम्स। ये लीजिए, आपका फ्रेश मशरूम और क्यूमिन का सूप हो गया है रेडी। इसको बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मजे कीजिए। एंजॉय एंड गुड लक।